फ्रेंड्स, हम कर रहे थे हाउस प्रॉपर्टी हेड, और हाउस प्रॉपर्टी हेड में आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटेशन फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर। तो अपनी बुक में आप निकालिए पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 निकालिए बुक में। बुक में पेज नंबर 33 दे रखा है आपको, उस पे ये दे रखा है कंप्यूटेशन फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर। कंप्यूटेशन फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर, इसका मतलब क्या? आपको पार्ट ईयर का कंप्यूटेशन करना है, फुल ईयर का कंप्यूटेशन नहीं करना है। कुछ केसेस में आपको पार्ट ईयर का ही कंप्यूटेशन करना है। वो केसेस तीन है। कौन से केसेस? अगर आपकी प्रॉपर्टी परचेस हुई है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में आपने प्रॉपर्टी परचेस की है, तो आपका कंप्यूटेशन पीरियड स्टार्ट होगा कब से? द डेट ऑन विच प्रॉपर्टी इज परचेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपने सपोज प्रॉपर्टी परचेस की है ड्यूरिंग द करंट ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर में परचेस किया आपने, कब? 1 जून को। 1 जून को प्रॉपर्टी परचेस की है, तो अप्रैल और मई मंथ में तो आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर थे ही नहीं। आपने प्रॉपर्टी 1 जून को परचेस की है, तो आपका कंप्यूटेशन 1 जून से शुरू होगा। 1 जून से शुरू होगा, तो अप्रैल और मई मंथ को छोड़ दीजिए और जून से लेकर मार्च, मतलब इस केस में आपका कंप्यूटेशन 10 महीने का रहेगा। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको 10 महीने की लेनी होगी, जैसे एक्सपेक्टेड रेंट वगैरह, सारी इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन आपको 10 महीने की ही लेनी होगी। समझे बात? क्योंकि अप्रैल और मई मंथ में तो आप इस प्रॉपर्टी के ऑनर थे ही नहीं, आपने ये प्रॉपर्टी परचेस ही 1 जून को की है, तो आपका कंप्यूटेशन पीरियड कब से शुरू होगा? जिस डेट को आपने ये प्रॉपर्टी परचेस की है। ये दिक्कत कहां आएगी? जब आप प्रॉपर्टी परचेस करते हैं ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ये था पॉइंट नंबर ए। अब आते पॉइंट नंबर बी। अगर आपका कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का कंप्लीट हुआ है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कभी भी हुआ हो, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट अगर आपका ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हुआ है, तो आपका कंप्यूटेशन कब से स्टार्ट होगा? आपका कंप्यूटेशन पीरियड कब से होगा? कंप्यूटेशन पीरियड शैल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। ठीक है, जैसे आपका सपोज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, कब कंप्लीट हुआ? आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31 दिसंबर को या 1 जनवरी को। 31 दिसंबर या 1 जनवरी को आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो आपका कंप्यूटेशन पीरियड कब शुरू होगा? जैसे 1 जनवरी को आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो उस केस में आपका कंप्यूटेशन पीरियड 1 जनवरी से शुरू होगा, जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो अगर ड्यूरिंग द ईयर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तो कंप्यूटेशन करते वक्त, कैलकुलेशन करते वक्त सारी इंफॉर्मेशन आपको उतने पीरियड की लेनी है जब से आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। तो अगर आपका कंस्ट्रक्शन 1 जनवरी को कंप्लीट हुआ है, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने की लेनी होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉपर्टी सेल की है, थर्ड पॉइंट क्या है? प्रॉपर्टी सोल्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। सपोज आपने प्रॉपर्टी सेल की है 28 फरवरी को, ठीक है, फरवरी एंड को आपने प्रॉपर्टी सेल की है, तो सारी इंफॉर्मेशन आप 11 महीने की लेंगे, क्योंकि मार्च में आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर
हो ही नहीं, रीजन फरवरी एंड में ही आप वो प्रॉपर्टी सेल कर चुके हो। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको फरवरी तक की ही लेनी है, यानी 11 महीने की लेनी है, मार्च में आप ये प्रॉपर्टी के ऑनर नहीं हो। तो ये कंप्यूटेशन फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर वाली दिक्कत कब आएगी, जब आप मिड ऑफ द ईयर परचेस करें, या आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो, या मिड ऑफ द ईयर आप प्रॉपर्टी सेल करें। तो जितने पीरियड आप ऑनर हैं उतने पीरियड का कंप्यूटेशन होगा। इसको कहा गया है कंप्यूटेशन फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर, समझे बात। तो सारी इंफॉर्मेशन जैसे एक्सपेक्टेड रेंट वगैरह सब कुछ उस पार्ट ईयर का ही लिया जाएगा, समझे बात। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, चलिए इसका क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन बैंक में आ जाइए। क्वेश्चन बैंक में आपके दे रखा है, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है, जो कि आपके पेज नंबर 18 पर है। क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 18 पर आ जाइए, यहां पर दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 वैसे तो आसान है, बस उसमें हमें एक इश्यू समझना है, कंप्यूटेशन फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर, वो तो समझना है ही, बट इस क्वेश्चन में एक डिफिकल्टी और भी है। क्या? इस क्वेश्चन में दो एसएससी दे रखी है, देखिए मिस्टर ए एंड बी, दो एसएससी। और जैसे ही हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे हमें एक बात और पता पड़ेगी, क्या? कभी ये क्वेश्चन में मिस्टर ए की इंफॉर्मेशन देते हैं और बीच में ही मिस्टर बी की इंफॉर्मेशन शुरू कर देते हैं, फिर मिस्टर ए की इंफॉर्मेशन बताते हैं, फिर मिस्टर बी की इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो इस तरीके से हमारा ध्यान भटक जाता है, हम ए मिस्टर ए की कैलकुलेशन करते वक्त उसमें इंफॉर्मेशन मिस्टर बी की काम में ले लेते हैं, क्योंकि ए की इंफॉर्मेशन चल रही होती है, बीच में मिस्टर बी की इंफॉर्मेशन डाल दी है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एसएससी दो हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो जब मिस्टर ए की बातें चल रही हैं, बीच में अगर मिस्टर बी की इंफॉर्मेशन आए तो उसको इग्नोर करना है, और जब बी का हम सोल्यूशन करें तो बीच में अगर मिस्टर ए की इंफॉर्मेशन आए तो उसको इग्नोर करना है। बात समझ आई? मतलब जब ए का सोल्यूशन कर रहे हैं तो ए की बातों पर फोकस करें, और जब बी का सोल्यूशन कर रहे हैं तो बी की बातों पर फोकस करें। बात समझ आ रही है? चलिए, तो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दो एसएससी दे रखे हैं, कंस्ट्रक्टेड देयर हाउस ऑन ए पीस ऑफ लैंड परचेस्ड बाय देम एट न्यू दिल्ली, द बिल्ट अप एरिया मकान का दे रखा है ऑफ ईच हाउस 1000 स्क्वायर फीट का मकान है, और मकान कैसे बना रखा है, ग्राउंड फ्लोर पर बना रखा एंड एन इक्वल एरिया इन द फर्स्ट फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर बना रखा है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर बना रखा है, ठीक है। तो क्या हम इस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है और इक्वल एरिया पे फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, ठीक है ना। तो मकान का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, आपका ऊपर, आपका पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, इसका मतलब 50% एरिया आपका ग्राउंड फ्लोर है और 50% एरिया आपका फर्स्ट फ्लोर है। बात समझ आई? चलिए, फिर ए की इंफॉर्मेशन आगे दे रखी है, ए की इंफॉर्मेशन अब शुरू हो रही है, ए स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन कब, 1st अप्रैल 2018 को, और उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी हो गया 31st मार्च 2019 को, मतलब
पूरा एग्जैक्ट एक साल लगा, ए की इंफॉर्मेशन ये। फिर आगे बी की इंफॉर्मेशन आ रही है, हमने अभी बात की बी की इंफॉर्मेशन अभी हमें नहीं पढ़नी है, सिर्फ ए की इंफॉर्मेशन पर फोकस करना है। तो आगे ए की इंफॉर्मेशन फिर दे रखिए, ए ऑक्यूपाइड द एंटायर हाउस ऑन, कब से कंप्लीट, जब से हुआ उसके अगले दिन से, कंप्लीट कब हुआ 31 मार्च 2019 को ए का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो वो 1 अप्रैल 19 से हाउस ऑक्यूपाई कर लेता है। वो हाउस ऑक्यूपाई कर लेता है इसका मतलब क्या हुआ, ये मकान उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। फिर बी की इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसको फिर इग्नोर करना है। रीजन, अभी सिर्फ मिस्टर ए की इंफॉर्मेशन पर ही फोकस करना है। फिर आगे और इंफॉर्मेशन दे रखी है, फॉलोइंग आर द अदर इंफॉर्मेशन, फेयर रेंट ईच यूनिट का, ईच यूनिट मतलब ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, ईच यूनिट का फेयर रेंट दे रखा है 1 लाख ग्राउंड फ्लोर का और 1 लाख फर्स्ट फ्लोर का, ठीक है, पर एनम। फिर म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखे ईच यूनिट की, मतलब ग्राउंड फ्लोर की कितनी 72,000 और फर्स्ट फ्लोर की भी 72,000। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड हो चुके हैं, डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना, और रिपेयर मेंटेनेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, रिपेयर मेंटेनेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बात समझ आ रही है। रीजन, हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में रिपेयर मेंटेनेंस का डिडक्शन नहीं मिलता, गवर्नमेंट कहती है आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया, उसमें सारे खर्चे कवर हो जाते हैं, तो और डिडक्शन मत मांगिए, तो रिपेयर और मेंटेनेंस का डिडक्शन नहीं मिलता। फिर ए की इंफॉर्मेशन पर ही फोकस करना है, तो आगे ए हैज अवेल्ड हाउसिंग लोन, 20 लाख का लोन है, इंटरेस्ट रेट 12% है, कब लोन लिया 1 अप्रैल 18 को, देखिए 1 अप्रैल 18 से ही कंस्ट्रक्शन शुरू किया, ठीक है ना, और लोन भी 1 अप्रैल 18 को ही लिया, ठीक। फिर बी की इंफॉर्मेशन दे रखी है और लास्ट में बोल रखा है लोन अनपेड है, नो रीपेमेंट, अभी तक किसी ने भी रीपेमेंट नहीं किया है 31 मार्च 2020 तक। दोनों की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने, बट अभी हम सिर्फ ए का कर रहे हैं, तो ए की इंफॉर्मेशन को ही फोकस करना है। ए का मकान सारा का सारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ए ऑक्यूपाइड द एंटायर हाउस, तो क्या हुआ ए के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू निल होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, तो एनुअल वैल्यू निल, बस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर तो इंटरेस्ट का ही डिडक्शन मिलता है, तो इंटरेस्ट का ही डिडक्शन, और ए की इंफॉर्मेशन का, ए के लोन की इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, लोन लेने की डेट 1 अप्रैल 2018 है, और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो गया 31 दिसंबर 2019 को, और लोन अभी अनपेड है, रीपे नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए, तो ए का हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्यूट करते हैं, लोन लेने की डेट से शुरू हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ कब, कब कंप्लीट हुआ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2019 को, तो उससे इमीडिएटली प्रिसीडिंग 31 मार्च क्या हुई, 31 मार्च 2018, तो 31 मार्च 2018। अब ये डेट तो आपके लोन लेने की डेट से भी पहले चली गई, तो इस केस में पीसीपीआई नहीं होगा, तो पीसीपीआई निल। रीजन, आपने लोन 1 अप्रैल को लिया,
कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हुआ 31st मार्च 19 को, उससे इमीडिएटली प्रोसीडिंग 31st मार्च आपने ली 31st मार्च 2018, जो कि लोन लेने की डेट से ही पहले की डेट हो गई। आपने लोन लिया 1 अप्रैल 18 को, ठीक है ना, और उससे पहले चली गई डेट 31st मार्च 2018, तो इस केस में आपका पीसीपीआई निल होगा, ठीक है, निल होगा, बात समझ आई। तो पीसीपीआई तो निल। अब करंट ईयर का इंटरेस्ट होगा, यस करंट ईयर का तो इंटरेस्ट होगा 20 लाख का लोन, उस पर 12% इंटरेस्ट रेट, लोन अभी अनपेड है तो करंट ईयर का इंटरेस्ट तो लगेगा ही, तो वो है 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। तो करंट पीसीपीआई जीरो पर करंट ईयर का 2,40,000, तो टोटल इंटरेस्ट 2,40,000, बट ये मकान इसका एसओपी है पूरे 12 महीने, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मैक्सिमम 2 लाख तक ही मिलेगा। मिस्टर ए को इंटरेस्ट टोटल कंप्यूट किया हमने 2,40,000, बट चूंकि ये मकान उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो इस केस में इंटरेस्ट का डिडक्शन मैक्सिमम 2 लाख तक ही अलाउ होगा। एक ही कैलकुलेशन हो गई हमारी, राइट। चलिए अब बी की कैलकुलेशन करते हैं। मिस्टर बी की अब पढ़ते वक्त सिर्फ और सिर्फ मिस्टर बी की इंफॉर्मेशन पर फोकस करना है, ठीक है ना, तो मिस्टर बी की इंफॉर्मेशन पर ही फोकस करना है पढ़ते वक्त, ए की इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना है, ठीक है। बी का सोल्यूशन करते वक्त सिर्फ बी की इंफॉर्मेशन पर ही फोकस करना है। तो चलिए, मकान उसी तरीके से बना हुआ है, फर्स्ट फ्लोर 50% एरिया, ग्राउंड फ्लोर 50% एरिया, वो तो ठीक है, और फिर बी की इंफॉर्मेशन थर्ड लाइन से शुरू हो रही है। बी स्टार्ट्स कंस्ट्रक्शन ऑन 1st अप्रैल 2017 को, उसने कंस्ट्रक्शन शुरू किया। शुरू करने की डेट काम की नहीं होती है, कंप्लीट कब हुआ, उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ मिड ऑफ द ईयर, यही तो समझाना था। अरे यही तो है कंप्यूटेशन ऑफ द पार्ट ऑफ ईयर। हमने बात की थी कि अगर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो आपका कंप्यूटेशन पीरियड कहां से स्टार्ट होगा, जब से आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। तो अब सबसे खास बात, आपका इसका मिस्टर बी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट मिड ऑफ द ईयर हुआ है, कब, 30 जून 2019 को, ठीक है। तो इसका कंप्यूटेशन पीरियड कब से शुरू होगा, 1st जुलाई से, तो 1st जुलाई से लेकर 31st मार्च तक ये हुए 9 महीने। तो कहने का मतलब मिस्टर बी का कंप्यूटेशन पीरियड से पार्ट ऑफ ईयर का ही बनेगा 9 महीने का ही, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन मिड ऑफ द ईयर में कंप्लीट हुआ है। तो ध्यान रखें, मिस्टर बी की सारी इंफॉर्मेशन हमें उन्हीं 9 महीनों की लेनी है, ठीक है, कब से, 1st जुलाई 2019 से लेकर 31st मार्च 2020 तक, ठीक है। तो ये कमेंट भी लिख दीजिए, क्योंकि मिस्टर बी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है, 30th जून 2019 को हुआ उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन, इसलिए सारी इंफॉर्मेशन 9 महीनों की लेनी है। अच्छा, कौन से 9 महीने, कौन से, फर्स्ट जुलाई 2019 से लेकर 31st मार्च 2020, इन्हीं 9 महीनों की इंफॉर्मेशन लेनी है। यह है कंप्यूटेशन फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए,
अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया होता परचेस स्टेट को हुआ है तो भी पार्ट ईयर का ही कंप्यूटेशन करते। चलिए फिर आगे ए की इंफॉर्मेशन इग्नोर, फिर बी की बात। हाउ एवर बी ऑक्यूपाइज ग्राउंड फ्लोर, उसने अगले दिन से ऑक्यूपाई कर लिया, 1 जुलाई 2019 से ऑक्यूपाई कर लिया उसने ग्राउंड फ्लोर, उसने ऑक्यूपाई कर लिया और फर्स्ट फ्लोर किराए पर दे दिया, फर्स्ट फ्लोर किराए पर दे दिया, किराया 15,000 आ रहा है पर मंथ, ठीक है। लेकिन टीनेंट प्रॉपर्टी को वैकेट कर गया, कब टीनेंट प्रॉपर्टी को वैकेट कर गया, 31 दिसंबर 2019 को। तो देखिए लेट आउट कब से किया गया, 1 जुलाई से, क्या फर्स्ट फ्लोर बी का लेट आउट है कब से, जुलाई से, और टीनेंट वैकेट कर गया 31 दिसंबर को। कहने का मतलब मिस्टर बी का फर्स्ट फ्लोर 6 महीने के लिए ही एक्चुअली लेट आउट रहा, मिस्टर बी का फर्स्ट फ्लोर सिर्फ 6 महीने के लिए ही लेट आउट रहा, जुलाई से लेकर दिसंबर। क्यों, आगे बी ने क्या किया, फिर बी ऑक्यूपाइज द एंटायर हाउस, पूरा मतलब फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों, उसने 1 जनवरी से 31 मार्च 2020 तक एसओपी कर लिया, खुद ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है ना। तो बी की सिचुएशन क्या बन रही है कि ग्राउंड फ्लोर 50% एरिया है, वो तो पूरे 12 महीने एसओपी रहा, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पूरे 12 महीने एसओपी रहा, बट वो 50% एरिया है, और फर्स्ट फ्लोर 50% एरिया लेट आउट है, लेकिन फिर वो जनवरी टू मार्च एसओपी हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब अब, लेकिन उसकी कैलकुलेशन 1 जुलाई से करनी है, रीजन 9 महीने की कैलकुलेशन, तो उसका लेट आउट पीरियड तो ये है 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन तो 9 महीने की, फेयर रेंट कितना लूं, देखिए क्वेश्चन में आपको फेयर रेंट दे रखा है, फेयर रेंट ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का ईच यूनिट का दे रखा है 1 लाख, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फ्लोर का 1 लाख है, लेकिन ये पर एनम है, दिक्कत ये है कि ये पर एनम है, पूरे साल का है, जबकि हमें इसको 9 महीने के स्केल पर लाना होगा। तो 1 लाख को 9 महीने के स्केल पर लेकर आओ, 1 लाख × 9/12 तो 75,000। फिर म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है इस फर्स्ट फ्लोर की, कितनी है 72,000, ये भी पर एनम है, तो इसको भी 9 महीने के स्केल पर लेकर आए, तो 72,000 को 9 महीने के स्केल पर लेकर आए 54,000, ठीक है। जेड वैल्यू हायर हो गई, स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, ठीक है, तो यही जेड वैल्यू ही बन गई एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। फिर एक्चुअल रेंट तो 6 महीने का ही मिलेगा, कब से, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक, क्योंकि उसके बाद तो टीनेंट प्रॉपर्टी वैकेट कर गया, और जनवरी टू मार्च उसने फर्स्ट फ्लोर को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दिया। तो आपका ये जो एक्चुअल रेंट है कब से कब तक का होगा, जुलाई टू दिसंबर, मतलब 6 मंथ्स का ही, तो एक्चुअल रेंट 6 मंथ्स का ही लेना है, रीजन एक्चुअल रेंट एक्चुअली लेट आउट पीरियड का लेना होता है, तो एक्चुअल रेंट 6 महीने का आ गया, बट एक्चुअल रेंट ज्यादा है, एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, तो एक्चुअल रेंट ही बन गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू 90,000, ठीक है। फिर म्यूनिसिपल टैक्स एसओपी सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन का अलाउ नहीं होगा, पूरे मकान का कितना है, पूरे मकान का म्यूनिसिपल टैक्स बी का है
8000, ठीक है। तो 50% एरिया फर्स्ट फ्लोर, 50% एरिया फर्स्ट फ्लोर, आधा हो जाएगा 4000, और नेट एनुअल वैल्यू 86000, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करा दो, ठीक है। यहां तक हो गया, चलो फिर अब हम और इंफॉर्मेशन आगे पढ़ते हैं। आगे और इंफॉर्मेशन दे रखिए, बात अभी सिर्फ बी की पढ़नी है। बी हैज अवेल्ड ए हाउसिंग लोन, कितना 12 लाख, 10% इंटरेस्ट रेट, लोन कब लिया, एक जुलाई से, 1 जुलाई से लोन लिया, अभी तक रिपेमेंट नहीं किया है, नो रिपेमेंट टिल 31st मार्च 2020, ठीक है। चलिए, तो लोन लेने की डेट दे रखी है और कंस्ट्रक्शन ये कंप्लीट कब हुआ उसकी भी डेट दे रखी है। लोन लेने की डेट है हमारे पास और कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की भी डेट है। तो कैलकुलेशन करते हैं मिस्टर बी के लिए। लोन लेने की डेट क्या है? लोन लेने की डेट है 1st जुलाई 2018। तो 1st जुलाई 2018 से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू, और आपका ये कंस्ट्रक्शन खत्म कब हुआ, 30th जून 2019 को, रीपेमेंट किया नहीं है, इससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31st मार्च हुई, 31st मार्च 2019, तो ये भी आपके 9 महीने हुए। तो 12 लाख बी का लोन, 10% इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना, और 9 महीने ही प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, कब से, 1st जुलाई 18 से लेकर 31st मार्च 2019 तक, 9 महीने ही, तो 9 महीने का ही प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है, तो वो आ रहा है 90,000, और 90,000 का डिवाइडेड बाय 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ईयरली, तो 18,000, ठीक है, 18,000। और क्या ये 18,000 का डिडक्शन अभी मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन कब से मिलता है, जब परचेस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो। परचेस कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है, 30 जून 2019 को, तो पीसीपीआई की पहली इंस्टॉलमेंट है ये पीसीपीआई की पहली इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो ये पीसीपीआई की इंस्टॉलमेंट 18,000 अलाउड, और करंट ईयर का इंटरेस्ट तो लगेगा ही, पूरा लगेगा, 12 लाख का 10%, 1,20,000 पूरा क्यों लगेगा, अरे लोन अभी तक रीपे नहीं हुआ है तो पूरा ही लगेगा ना। तो 1,20,000 ये आपका करंट ईयर का इंटरेस्ट, और टोटल इंटरेस्ट 1,38,000 पूरे मकान का, और 50% फर्स्ट फ्लोर में डाल दीजिए, और नहीं 50% ग्राउंड फ्लोर में डाल दीजिए और 50% फर्स्ट फ्लोर में डाल दीजिए, 69,000, 50%, 50%, ठीक है। तो क्या आया लॉस, दोनों में लॉस आ गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड जो आपका ग्राउंड फ्लोर था उसमें भी लॉस, और फर्स्ट फ्लोर जो लेट आउट था उसमें भी लॉस, ठीक है। और फर्स्ट फ्लोर 3 महीने एसओपी रहा, लेकिन एसओपी होने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 एक दिन भी लेट आउट हो गया तो एसओपी होने का बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है, बात समझ आई। तो ये हमने मेन इश्यू यहां डिस्कस किया कि आपका कंस्ट्रक्शन मिड ऑफ द ईयर में कंप्लीट हुआ तो कंप्यूटेशन पार्ट ऑफ द ईयर का बनेगा, इसलिए बी की सारी इंफॉर्मेशन हमने 9 महीने की ही ली, बी की सारी इंफॉर्मेशन हमने 9 महीने की ही ली, कब से, 1st जुलाई 19 से 31st मार्च 2020 तक, क्लियर। चलिए अब इसके बाद हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और भी डिस्कस करते हैं, छोटे छोटे कुछ और भी पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, क्या आ जाइए बुक में, आ जाइए
बुक में आ जाइए, बुक में आपको निकालना है पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 पर आ जाइए, पेज नंबर 32 पर आ गए, यहां पर मिसकेलेनियस प्रोविजंस में आ जाइए। मिसकेलेनियस प्रोविजंस में फर्स्ट पॉइंट दे रखा है हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो ये डिस्कस करना है। तो इसमें देखिए, कहने का मतलब आपकी प्रॉपर्टी फॉरेन में है तो उससे भी रेंट मिल रहा है, वो किराए पर दे रखी है, तो बताइए रेंटल इनकम, फॉरेन प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं। इशू ये है कि फॉरेन प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं, इसमें एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस देखना होगा। देखिए अगर स्टेटस है इंडिविजुअल का वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है तो इस फॉरेन प्रॉपर्टी का रेंट इंडिया में टैक्सेबल होगा। अगर एसएससी इंडिविजुअल ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया है तो फॉरेन प्रॉपर्टी का रेंट भी इंडिया में टैक्सेबल होगा, और अगर एसएससी नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है तो उस फॉरेन प्रॉपर्टी का किराया इंडिया में टैक्सेबल तभी होगा ओनली इफ इट इज फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया। फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया का क्या मतलब है, वो इंडिया में डायरेक्टली रिसीव हुआ, तो फॉरेन प्रॉपर्टी का रेंट अगर इंडिया में डायरेक्टली रिसीव हुआ तो उसे फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया कहा जाएगा, उस सिचुएशन में वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, भले ही एसएससी नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो या इवन नॉन रेजिडेंट हो तो भी फॉरेन प्रॉपर्टी का किराया इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा अगर ये रेंट उसने फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया किया है, मतलब डायरेक्टली रिसीव हुआ है। अब ये जो बात है रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर से रिलेटेड है तो हमें समझना पड़ेगा ऑर्डिनरली रेजिडेंट ओआर किसे कहते हैं, एनओआर या नॉन रेजिडेंट किसे कहते हैं। तो ये समझने के लिए, हालांकि ये बातें रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर से कनेक्टेड है बट, और वो चैप्टर हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे कोर्स में है बट अभी नहीं पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा उसका रेफरेंस हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्डिनरली रेजिडेंट क्या होता है, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट क्या होता है और नॉन रेजिडेंट क्या होता है, ठीक है। चलिए तो आ जाइए हम रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में डिस्कस करते हैं। एसएससी या तो रेजिडेंट इन इंडिया कहलाता है या नॉन रेजिडेंट कहलाता है, तो हमें एसएससी को फर्स्ट स्टेज का क्लासिफिकेशन करना होगा कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। ये कैसे डिसाइड होगा, अगर उस पर्सन की इंडिया में प्रेजेंस करंट ईयर में कम से कम 182 डेज है, उसकी इंडिया में प्रेजेंस कम से कम 182 डेज है तो उसे रेजिडेंट कहा जाएगा, ठीक है, और अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, ये क्राइटेरिया रेजिडेंट होने का कि उसके इंडिया में प्रेजेंस 182 डेज है करंट ईयर में, वो तो रेजिडेंट है, ठीक है। अच्छा, रेजिडेंट होने के बाद फिर फर्दर क्लासिफिकेशन करना होता है, सेकंड स्टेज का क्लासिफिकेशन कि वो ओआर है या एनओआर है, ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। ये कैसे पता पड़ता है कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, तो है बट उसमें भी वो ओआर है या एनओआर है, तो इसके लिए दो कंडीशंस दे रखी हैं। ये दो कंडीशंस हम चेक करेंगे इसके लिए, अगर वो रेजिडेंट है इंडिया में पिछले 10 इयर्स में कम से कम 2 साल,
पास्ट 10 ईयर्स में वो कम से कम 2 साल रेजिडेंट इन इंडिया है, एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाई हो, प्लस साथ साथ प्लस प्रेजेंस है उसकी इंडिया में पास्ट 7 ईयर्स में कम से कम 730 डेज, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो वो ओवर कहलाएगा, ठीक है। और अगर 2 में से 1 हो रही है या दोनों ही नहीं हो रही है तो वो एनओआर कहलाएगा, मतलब दोनों सेटिस्फाई हो, ये वाली कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो, इसलिए प्लस बीच में प्लस दे रखा है, ठीक है, तो वो ओआर कहलाएगा, नहीं तो वो एनओआर कहलाएगा, ठीक है। तो जितना सफिशिएंट था रेजिडेंशियल स्टेटस समझना भी उतना हमने समझा दिया, बट इस रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर आएगा, यहां उसका जितना रोल था उतना हमने डिस्कस कर लिया। तो आ जाइए फॉरेन प्रॉपर्टी की बात चल रही थी, पेज नंबर 32 पर। अगर एसएससी ऑर्डिनरली रेसिडेंट है तो उसके फॉरेन प्रॉपर्टी का रेंट इंडिया में टैक्सेबल होगा। रीजन, ऑर्डिनरली रेसिडेंट की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, इंडिया की इनकम और फॉरेन इनकम दोनों। और अगर नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है या मतलब एनओआर है या एनआर है तो फॉरेन प्रॉपर्टी का रेंट इंडिया में टैक्सेबल होगा, और तभी टैक्सेबल होगा अगर ये रेंट फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब इंडिया में डायरेक्टली रिसीव हुआ है। एक दिक्कत और आएगी, ये फॉरेन प्रॉपर्टी का रेंट अगर आपको फॉरेन करेंसी में मिला तो, फॉरेन प्रॉपर्टी का रेंट अगर आपको फॉरेन करेंसी में मिला तो क्या होगा, जैसे डॉलर में मिला तो उसको रुपीस में कन्वर्ट करना होगा, यस करना ही पड़ेगा। तो कन्वर्जन के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट यूज करनी होगी, तो नीचे नोट, फॉरेन एक्सचेंज रेट टू बी यूज फॉर कन्वर्जन, किसके कन्वर्जन की, ऑफ फॉरेन करेंसी, किस में कन्वर्ट करना होगा, इंडियन रुपीस में, ठीक है। तो रेंट डॉलर में मिल रहा है उसको रुपीस पे लाना होगा, ठीक है। और कन्वर्जन के लिए रेट कौन सी काम में लेंगे, टीटी बाइंग रेट, और वो भी किस दिन की, एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। और अभी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2019-20, उसका लास्ट डे, उसका लास्ट डे क्या होगा, 31st March 2020। इस दिन की क्या रेट यूज करनी है, टीटी बाइंग रेट। अच्छा, टीटी का मतलब क्या, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, ठीक है। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की लास्ट डे के दिन जो टीटी बाइंग रेट है उससे कन्वर्जन करना होगा। अब हमें समझना पड़ेगा कि ये टीटी बाइंग रेट का मतलब क्या है, ठीक है, टीटी बाइंग रेट का मतलब क्या है। ये टीटी बाइंग रेट कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल की जाएगी, डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसा इनकम टैक्स में रूल नंबर 115 में दे रखा है, ठीक है, रूल 115। ये टीटी बाइंग रेट क्या होती है इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होती हैं इस तरीके से लिखी जाती हैं, $1 इक्वल टू ₹70-₹72, ठीक है। तो 70 जो है वो बाइंग रेट है, पहले बाइंग रेट लिखी जाती है और फिर सेलिंग रेट लिखी जाती है, और ये बैंक के एंगल से, मतलब बैंक आपसे खरीदे डॉलर तो बाइंग रेट, तो रेट काम आएगी 70 बाइंग रेट, बैंक बाय कर रहा है, ठीक है ना। और अगर बैंक आपको डॉलर सेल करे तो सेलिंग रेट काम आती है, ठीक है, तो बैंक के एंगल से होता है। खैर, यहां पर हमें इतनी बातों में उलझना नहीं है, यहां तो सिंपली बोला है बाइंग रेट काम आएगी, ठीक है। तो
और ये बैंक के एंगल से देखनी होती है सेलिंग रेट। बैंक बाय करता है तो बाइंग रेट, और बैंक सेल करता है डॉलर तो सेलिंग रेट काम आती है। ये बैंक के एंगल से देखना होता है, एसएससी के एंगल से नहीं। क्लियर? तो सिंपल, यहां पर बाइंग रेट उठानी है, उससे कन्वर्जन करना है। बात समझ आई? चलिए, तो यहां ये दे रखा था, तो फॉरेन प्रॉपर्टी का रेंट भी इंडिया में टैक्सेबल हो सकता है, तो गलतफहमी में मत रहना, टैक्सेबल हो सकता है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आ जाइए फॉरेन प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक में, पेज नंबर 19 पर आ जाइए, पेज नंबर 19 पर आ जाइए, पेज नंबर 19 पर क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। मिसेस इंदु ए रेजिडेंट इंडिविजुअल ओन्स ए हाउस इन यूएसए, यूएसए में उनका एक मकान है। शी रिसीव्स रेंट, मतलब ये एक्चुअली लेट आउट है, और रेंट कितना है? $2,000 पर मंथ। ठीक है, एक्चुअली लेट आउट है, फॉरेन प्रॉपर्टी एक्चुअली लेट आउट है। शी पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस भी पे किए हैं, कितना? $1,500, और पे किए हैं इसने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। शी ऑल्सो ओन्स ए टू स्टोरीज हाउस इन मुंबई, मुंबई में भी एक मकान है, मुंबई में भी मकान है, मतलब इंडिया में भी मकान है, और यूएसए में भी मकान है जो कि एक्चुअली लेट आउट है। और मुंबई वाले मकान का क्या हाल है? देखो, ग्राउंड रेंट इज यूज्ड फॉर हर रेजिडेंस, मतलब ग्राउंड रेंट मतलब 50% एरिया, और फर्स्ट फ्लोर भी है, तो ग्राउंड फ्लोर 50% है, और फर्स्ट फ्लोर भी 50% है। ठीक है ना, तो मुंबई वाले हाउस में ग्राउंड फ्लोर भी है और फर्स्ट फ्लोर भी है, तो ग्राउंड फ्लोर 50% एरिया हुआ और फर्स्ट फ्लोर भी 50% एरिया हुआ। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर तो एसओपी है और फर्स्ट फ्लोर क्या है? लेट आउट कर रखा है। तो देखिए, यूएसए वाला तो क्या है? कंप्लीटली लेट आउट है। यूएसए वाला कंप्लीटली एलओपी है, और कितने महीने? 12 महीने। ठीक है, और इंडिया मुंबई वाला ग्राउंड फ्लोर 50% एरिया, वो एसओपी है, और फर्स्ट फ्लोर 50% एरिया हुआ, वो लेट आउट है। बात समझ आई? फिर रेंट कितना मिल रहा है? 10,000 रेंट मिल रहा है, 10,000, और स्टैंडर्ड रेंट ईच फ्लोर का 11,000 है पर मंथ। म्यूनिसिपल टैक्स पेड हो गए हैं इस हाउस के 7,500। फिर मिसेस इंदु हैड कंस्ट्रक्टेड द हाउस, ये मुंबई वाले हाउस का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ? बाय टेकिंग ए लोन, हाउसिंग लोन लिया गया फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक से। कब? 20 जून 2016 को लोन लिया गया मुंबई हाउस के लिए। ठीक है, और शी रीपेड लोन, उसने लोन का रीपेमेंट किया है, कितना? 54,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 24,000। इसका मतलब जो रीपेमेंट किया गया है 54,000, उसके अंदर इंटरेस्ट एलिमेंट है 24,000, हमें सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब है, तो 54,000 के अंदर इंटरेस्ट 24,000 है, तो रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका रीपेमेंट हुआ तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। क्लियर? तो इंटरेस्ट का ही ध्यान रखना है, वो 24,000 है। ठीक है, अब लोन लेने की डेट तो दे रखी है, लोन लेने की डेट तो दे रखी है, लेकिन
कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट नहीं दे रखी है। बात समझ आ रही है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट हमें दी ही नहीं क्वेश्चन में, तो क्या करें? पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये जो इंटरेस्ट है 24,000, इसको हम मान लेते हैं ये कंप्यूट हो रखा है, ठीक है। अब आपको एक्सचेंज रेट दे रखे, वैल्यू ऑफ $1 इज टू बी टेकन एज 45,000। $1 की वैल्यू 45,000 है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करनी है मिसेस इंदु की असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए। अब मिसेस इंदु क्या है, शुरू में ही क्वेश्चन में बोल दिया रेजिडेंट है, और हम इसको ऑर्डिनरली रेजिडेंट होना एज्यूम करते हैं, तो ये फॉरेन प्रॉपर्टी का भी रेंट इंडिया में टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो पहले यूएसए की प्रॉपर्टी का करते हैं, यूएसए की प्रॉपर्टी का करते हैं, उसका किराया कितना है $2,000, ठीक है। तो यूएसए वाली प्रॉपर्टी का करते हैं पहले कैलकुलेशन, $2,000। देखिए ये एक्चुअल रेंट है वैसे, बट एक्चुअल रेंट मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, उसको हम फेयर रेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक्सचेंज रेट आपकी 45 है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इधर रुपीस में लिखनी है, ठीक है। तो ये 45,000 क्या है, टीटी बाइंग रेट, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखिए, इससे कन्वर्जन करना है। और सारे फिगर्स हमको डॉलर में नहीं लिखने हैं, रुपीस में लिखने हैं, समझ आ रही है बात। फेयर रेंट आ गया बट म्यूनिसिपल वैल्यू नहीं है, और तो जेड वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी नहीं दे रखा है, तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या बताइए, तो एक्सपेक्टेड रेंट यही हो गया 10,80,000। एक्सपेक्टेड रेंट यही हो गया 10,80,000 रुपीस में, और एक्चुअल रेंट भी यही है, तो एक्सपेक्टेड रेंट भी यही है, एक्चुअल रेंट भी यही है, कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत आसान हुआ ये तो, ठीक है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी यही हो गई 10,80,000। फिर म्यूनिसिपल टैक्सेस डॉलर पे किए 1,500, उसको कन्वर्ट करो रुपीस में 67,500, ठीक है। तो एनएवी आ गई 10,12,500, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दो 30% एनएवी का, राइट। फिर आपके इंटरेस्ट है नहीं, आपकी फॉरेन प्रॉपर्टी की इनकम आ गई 7,08,750, ठीक है। ये फॉरेन प्रॉपर्टी का तो हिसाब हो गया, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे। चलिए फिर इंडिया में जो मुंबई हाउस है, ग्राउंड फ्लोर 50% एसओपी है पूरे 12 महीने, ठीक है, और फर्स्ट फ्लोर एलओपी है, ठीक है, और वो भी पूरे 12 महीने एलओपी है। चलिए तो आपको फेयर रेंट नहीं दे रखा है, यहां पर दे रखा है क्या, चेक करो, नहीं दे रखा है। एक्चुअल रेंट मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स हो जाएगा फेयर रेंट, तो 10,000 ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर का किराया 10,000, 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, फेयर रेंट हो गया 1,20,000, ठीक है। तो म्यूनिसिपल वैल्यू दे नहीं रखी है, तो Z वैल्यू 1,20,000 हो गया, और स्टैंडर्ड रेंट ईच फ्लोर का बोला था, ईच फ्लोर का 11,000 है पर मंथ, 11,000 ईच फ्लोर बोला था, ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, पर मंथ था ना ये, तो 1,32,000 स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। तो आपका Z वैल्यू 1,20,000 और स्टैंडर्ड रेंट 1,32,000, विच इज लेस, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 1,20,000 फर्स्ट फ्लोर का, ठीक है, और एक्चुअल रेंट भी 10,000
है पर मंथ, 12 से महीने से मल्टीप्लाई कर दिया, 1,20,000 आ गया। तो एक्सपेक्टेड रेंट भी 1,20,000 और एक्चुअल रेंट भी 1,20,000। तो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो गई, 1,20,000, ठीक है। और म्युनिसिपल टैक्स पूरे मकान का है 7,500, ठीक है। ये रहा पूरे मकान का 7,500। तो आधा ये एसओपी का है, वो एसओपी का तो अलाउ होता नहीं है म्युनिसिपल टैक्स। तो एलओपी एरिया का अलाउ जाएगा 7,550%, ठीक है। एनएवी आ गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन एनएवी का 30% लेस कर देंगे। तो और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का डिडक्शन तो एसओपी पोर्शन पे भी मिलता है और एलओपी पर भी 50-50% एरिया वाइज कर दें। तो आपका इंटरेस्ट कितना था, 24,000, 50-50% कर दो तो 12,000, ठीक है। तो एसओपी का तो नेगेटिव आ गया 12,000 और एलओपी 12 महीने थी वो फर्स्ट फ्लोर 69,375। अब सब कुछ ऐड कर दो आपस में तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी 7,66,125, ठीक है। तो फॉरेन प्रॉपर्टी का अलग से किया मैं और इंडियन प्रॉपर्टी का अलग से किया, और फॉरेन प्रॉपर्टी इस केस में एक्चुअली लेट आउट थी। क्लियर, ये है क्वेश्चन नंबर 33। आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट हमने जानबूझ के नहीं किया, रीजन लोन लेने की डेट तो दी लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट नहीं बताई, ठीक है। तो हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करेंगे और क्वेश्चन में जो दे रखा है इंटरेस्ट वो हम कंप्यूटेड मान लेंगे, समझे बात। चलिए, और क्वेश्चन में शुरू में नोट लिख देना, हमने एसएससी को ऑर्डिनरली रेजिडेंट माना है तो उसकी वो फॉरेन प्रॉपर्टी की इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल है, ठीक है। चलिए फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं हम। मिसेस रोहिणी देवी ए सिटीजन ऑफ यूएसए, रेजिडेंट है और ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, ओआर हैं। इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली बता ही दिया कि वो ओआर हैं, ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं, तो फॉरेन प्रॉपर्टी का रेंट इंडिया में टैक्सेबल हो गई। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 शी ओन्स ए हाउस एट लॉस एंजल्स यूएसए में, मकान है जो एसओपी है यूज्ड एज हर रेजिडेंस, मतलब ये यूएसए वाला मकान एसओपी है। फिर द एनुअल वैल्यू कितनी है हाउस की, डॉलर ट्वेंटी थाउजेंड और एक डॉलर की कन्वर्जन एक्सचेंज रेट दे रखी है ₹45, इससे कन्वर्जन कर देंगे, ये टीटी बाइंग रेट है। फिर अब एक खास बात, शी टुक ऑनरशिप एंड पोजीशन ऑफ फ्लैट इन चेन्नई, चेन्नई में मकान खरीदा, पोजीशन भी सेम डे ले लिया, कब से, 1 जुलाई 2019 से, ठीक है। मतलब ड्यूरिंग द ईयर, मिड ऑफ द ईयर परचेस किया, तो अगेन ये हो गया कंप्यूटेशन फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर। तो इस चेन्नई फ्लैट की सारी इंफॉर्मेशन हमें 1 जुलाई से लेनी होगी, मतलब 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2020 तक 9 महीने की लेनी होगी। ये हो गया कंप्यूटेशन फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर। लेकिन लफड़ा है एक और, ये मकान भी सेल्फ ऑक्यूपेशन में काम आता है, मतलब यूएसए वाला भी एसओपी है और चेन्नई वाला फ्लैट भी एसओपी है।
अब इस साल से तो गवर्नमेंट ने दो दो एसओपी अलाउ कर दिए हैं, ठीक है, तो दोनों की एनुअल वैल्यू निल हो जाएगी, ठीक है ना। तो यूएसए वाला भी एसओपी है और चेन्नई वाला फ्लैट भी क्या हो गया, एसओपी। तो दो एसओपी तो अब अलाउड हैं, तो दोनों की एनुअल वैल्यू निल हो जाएगी। जो चेन्नई वाले फ्लैट में कब रहती है, वाइल शी इज इन इंडिया, जब वो इंडिया होती है तो चेन्नई वाले फ्लैट में रहती है। द फ्लैट वॉज यूज बाय हर फॉर 7 months ओनली ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। वाइल एज द म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है इस मकान की, फेयर रेंट दे रखा है, ठीक है, और बट इसका कोई सेंस ही नहीं है इस इंफॉर्मेशन का। ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एक्सपेक्टेड रेंट वगैरह के लिए, बट एसओपी प्रॉपर्टी की जब एनुअल वैल्यू निल होती है तो ये इंफॉर्मेशन अब काम की नहीं रही, ठीक है। फिर शी पेड द फॉलोइंग टू कॉरपोरेशन ऑफ चेन्नई, क्या क्या पे किया, प्रॉपर्टी टैक्स 16,200 और सीवरेज टैक्स, ठीक है, कॉरपोरेशन ऑफ चेन्नई को पे किया, मतलब म्यूनिसिपल अथॉरिटी को पे किया। तो एक तरीके से टोटल म्यूनिसिपल टैक्स कितना हुआ, टोटल 18,000 हो गया, ये टोटल म्यूनिसिपल टैक्स है, टोटल कर लो तो टोटल आता है आपके 18,000, ठीक है, ये म्यूनिसिपल टैक्स है। बट एसओपी प्रॉपर्टी के लिए म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता, ठीक है। फिर सी एड टेकन ए लोन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक से, उन्होंने लोन लिया है फॉर परचेसिंग दिस फ्लैट, परचेस के लिए इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो देखिए यहां पर उन्होंने परचेस कब किया है यह फ्लैट, 1 जुलाई 2019 को। लोन लेने की डेट मिसिंग है, लोन लेने की डेट दे रखी है क्या, नहीं। तो लोन लेने की डेट से लेकर जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन होती है डेट, उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च तक का क्या होता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट होता है, ठीक है, 31 मार्च, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च, ठीक है। तो आपके परचेस की डेट क्या है, परचेस और कंस्ट्रक्शन से इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च लेनी होती है। आपकी परचेस की डेट क्या है बताइए, 1 जुलाई 2017, तो इससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च क्या हुई, 31 मार्च 2019। बट लोन किस डेट को लिया गया, उस वो इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो लोन जब भी लिया गया बट इस डेट तक का ही पीसीपीआई होगा, ठीक है, ये इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च है, ठीक है। तो आपको वो इंफॉर्मेशन तो सीधे ही दे रखी है, आपको सीधे ही दे रखा है कि पीरियड प्रायर टू 1 अप्रैल 2019, तो 1 अप्रैल 19 से पहले, मतलब 31 मार्च 2019 तक का इंटरेस्ट तो आपको सीधे ही दे रखा है 49,200। इसका मतलब ये पीसीपीआई है, ठीक है, और उसके बाद ये जो इंटरेस्ट दे रखा है, और 1 अप्रैल 19 से लेकर 30 जून तक, और 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, ये दोनों आपका करंट ईयर का इंटरेस्ट हुआ CYI, और PCPI हुआ आपका 49,200। तो इसकी इंस्टॉलमेंट बना दीजिए 5 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, क्लियर, ठीक है। चलिए अब आगे और इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या, शी हैड ए हाउस प्रॉपर्टी इन बेंगलोर, उसके पास
बेंगलोर में एक और हाउस प्रॉपर्टी थी विच वॉज सोल्ड इन मार्च 2018. वो ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी बेच चुकी हैं. इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस शी रिसीव्ड एरियर ऑफ रेंट. तो एरियर ऑफ रेंट उनको अभी करंट ईयर में मिला है कब? मार्च 2020 में, मतलब प्रीवियस ईयर 2019-20 में उनको ये एरियर रिसीव हुआ है 60,000 का. ये प्रॉपर्टी करंट ईयर में इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप इनके पास नहीं है. ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी बेच चुकी है, बट एरियर ऑफ रेंट टैक्सेबल होता है. हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 25A, रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ रेंट टैक्सेबल होता है. ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है इनकी इनकम कंप्यूट करें. क्वेश्चन में हमने पढ़ा यूएसए वाली प्रॉपर्टी भी एसओपी है और ये चेन्नई वाला फ्लैट भी एसओपी है. और अब तो दो दो एसओपी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिए जिनकी एनुअल वैल्यू निल मानी जाएगी. तो सिर्फ इंटरेस्ट का ही एक्सपेंडिचर अलाउ होगा. ठीक है, रीजन एसओपी प्रॉपर्टी पर सिर्फ इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर ही अलाउ होता है. ठीक है, चलिए. तो इंटरेस्ट अभी हमने बात की, पीसीपीआई तो हो गया 49,200, 5 किस्तें बना दो उसकी. ठीक है, तो ये 9,840. ठीक है, और ये पहली किस्त है. ठीक है, रीजन पहली किस्त की कब छूट मिलती है? जब परचेज और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है. तो आपका परचेज और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है? परचेज कब कंप्लीट हुआ है? 1 जुलाई 2019 को. ठीक है, तो आपको पहली किस्त की छूट कब से मिलेगी पीसीपीआई की? 2019-20 से. ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही है अभी प्रीवियस ईयर 2019-20 में. और करंट ईयर का इंटरेस्ट आपका ऑलरेडी गिवन है, वो जोड़ दीजिए तो वो भी दे रखा है. टोटल कर लीजिए 1,82,000 हो गया. तो टोटल इंटरेस्ट आपको अलाउ कितना होगा? 1,91,840. क्लियर. अब देखिए, ये ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं, इसलिए इनकी फॉरेन प्रॉपर्टी की इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होगी. लेकिन इनकी दो दो एसओपी प्रॉपर्टीज हैं, एक यूएसए में और एक चेन्नई में. ठीक है, और ये दो प्रॉपर्टीज के लिए निल एनुअल वैल्यू का बेनिफिट ले सकती हैं. ठीक है, दो एसओपी हो गई सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में, और इंटरेस्ट भी दोनों का मिलाकर 2,00,000 से ज्यादा अलाउ नहीं होगा मैक्सिमम. ठीक है, चलिए. तो दो दो एसओपी हो गई, दोनों ही हाउसेस एसओपी हैं. चेन्नई फ्लैट का सिर्फ इंटरेस्ट अलाउ होगा, एनुअल वैल्यू निल और इंटरेस्ट लेस होगा, तो चेन्नई फ्लैट पर लॉस आ जाएगा माइनस में 1,91,840. और यूएसए हाउस वो भी एसओपी है, तो उसकी एनुअल वैल्यू निल, उसके लिए कोई लोन की इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है. ठीक है, तो करंट ईयर की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नेगेटिव. ठीक है, अब बस एक रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ रेंट वो ऐड कराना है. एरियर ऑफ रेंट की रिकवरी टैक्सेबल होती है सेक्शन 25A में, तो वो भी हम लिख देंगे. तो वो 60,000 मिला है, बट 30% उसमें से भी स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है, तो इफेक्टिवली वो 42,000 ही ऐड करना है. तो एरियर ऑफ रेंट का इफेक्ट क्या होता है? पहले हम करंट ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखते हैं, फिर हम
एरियर ऑफ रेंट की रिकवरी ऐड करते हैं सेक्शन 25A में, ठीक है, वो बिल्कुल लास्ट में ऐड करनी होती है, और वो तब भी ऐड करनी होती है भले ही इन द ईयर ऑफ रिकवरी एसएससी उस प्रॉपर्टी का ओनर हो चाहे नहीं हो। इस क्वेश्चन में वो प्रॉपर्टी सेल कर चुकी है, वो प्रॉपर्टी बेंगलोर वाली सेल कर चुकी है जिसके रेस्पेक्ट में एरियर ऑफ रेंट मिला, ठीक है, वो ऑलरेडी मार्च 18 में वो प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है, फिर भी भले ही एसएससी रिकवरी वाले साल में उस प्रॉपर्टी का ओनर ना हो, तब भी एरियर ऑफ रेंट की रिकवरी टैक्सेबल होती है रिसिप्ट ईयर पे, सेक्शन 25A में दे रखा है, ठीक है, तो वो रिकवरी ऐड कर देंगे हम, तो इफेक्टिवली हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी ओवरऑल नेगेटिव कितना, 1,49,840, ठीक है। तो ये हमने फॉरेन प्रॉपर्टी को लेकर क्वेश्चन किए। क्वेश्चन नंबर 33 में हमने देखा फॉरेन प्रॉपर्टी एक्चुअली लेट आउट थी। क्वेश्चन नंबर 33 में हमने देखा यूएसए वाली प्रॉपर्टी एक्चुअली लेट आउट थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 34 में हमने देखा कि यूएसए वाली प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है, और इस क्वेश्चन में तो दो दो एसओपी अलग हो गई, फॉरेन वाली भी एसओपी और इंडिया वाली भी एसओपी, दोनों की एनुअल वैल्यू निल, ठीक है, तो फॉरेन प्रॉपर्टी ये मैटर खत्म हुआ। अब इसके बाद हम आते हैं, एक चीज हमने पढ़ी थी कंपोजिट रेंट के बारे में, कंपोजिट रेंट के बारे में हमने ट्रीटमेंट समझा था, बुक देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 33 पर पढ़ा था हमने कि कंपोजिट रेंट अगर मिले, मतलब अगर लैंडलॉर्ड एसएससी हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट करने के साथ साथ टीनेंट को अदर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करे और अदर फैसिलिटीज का भी रेंट चार्ज करे, तो अगर बिल्डिंग और अदर एसेट्स और अदर फैसिलिटीज का लेटिंग अगर सेपरेबल है, तो बिल्डिंग का किराया जाएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा और अदर इनकम या तो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में, और अगर लेटिंग इनसेपरेबल हो तो फिर हाउस प्रॉपर्टी हेड में कुछ टैक्सेबल नहीं होगा और सारी रेंटल इनकम टैक्सेबल होगी सेक्शन 28 यानी बिजनेस हेड में और 56 यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में, ठीक है। तो अब इस कंपोजिट रेंट के लिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। कंपोजिट रेंट पर आ जाइए, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 20 पर दे रखा है, पेज नंबर 20 पर क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, मिस्टर योगीनाथ ओन्स ए हाउस प्रॉपर्टी एट प्रयागराज यूपी विच इज लेट आउट, प्रॉपर्टी एलओपी है, लेट आउट है, ये पहले ही बता दिया रेजिडेंशियल पर्पस के लिए और उसके पर्टिकुलर्स दे रखे हैं। एनुअल रेंट ये फेयर रेंट है या एक्चुअल रेंट है अभी पता नहीं है, एनुअल रेंट वर्ड दे रखा है 60,000, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 48,000, ठीक है, और म्यूनिसिपल टैक्सेस टीनेंट ने पे किए हैं इसलिए डिडक्शन, म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर रिपेयर का खर्चा टीनेंट ने किया, रिपेयर से हमें कोई मतलब नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया है, ये दो एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट है, इसका डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी हेड में
मिलता ही नहीं है। ठीक है, चलिए फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये दो इंफॉर्मेशन खास हैं, सी और डी। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस पेड बाय मिस्टर योगीनाथ 5400 और लिफ्ट मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय मिस्टर योगीनाथ। योगीनाथ लैंडलॉर्ड हैं, वो पे कर रहे हैं। ये दो एक्सपेंडिचर लैंडलॉर्ड पे कर रहा है। ठीक है, तो बट ये एक्सपेंडिचर पे करने के लिए लायबल कौन होता है? टिनेंट। ये एक्सपेंडिचर पे करने के लिए लायबल टिनेंट होता है, बट पे लैंडलॉर्ड ने कर दिया। तो लैंडलॉर्ड जो किराया चार्ज कर रहा है, कितना चार्ज कर रहा है? 60,000। ये जो लैंडलॉर्ड किराया चार्ज कर रहा है, ये टू दैट एक्सटेंट ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है, क्योंकि वो टीनेंट के बिहाफ पर कुछ एक्सपेंडिचर पे कर रहा है। ठीक है, तो टीनेंट के लिए वो कितने एक्सपेंडिचर पे कर रहा है, कितने एक्सपेंडिचर पे कर रहा है टोटल कर लीजिए। ये टोटल हुआ 7,800। ठीक है, ये ऑलरेडी उस 60,000 एनुअल रेंट में इंक्लूडेड है। ठीक है, क्योंकि लैंडलॉर्ड इन जनरल टीनेंट को ये एक्सपेंडिचर खुद पे करने के लिए कहता है, लेकिन यहां पर लैंडलॉर्ड खुद पे कर रहा है वो एक्सपेंडिचर जो टीनेंट को पे करने चाहिए। ठीक है, तो टू दैट एक्सटेंट लैंडलॉर्ड ने किराया बढ़ाकर चार्ज किया है 60,000। अब बात को अलग नजरिए से देखते हैं। ये एक तरीके से अदर फैसिलिटीज हैं जो लैंडलॉर्ड टीनेंट को दे रहा है। ये दोनों अदर फैसिलिटीज है जिसका वो अलग से अमाउंट चार्ज कर रहा है, वो 60,000 में इंक्लूडेड है। तो ये एक तरीके से अदर फैसिलिटीज का रेंट हुआ। ठीक है, और दोनों की लेटिंग इनसेपरेबल है या सेपरेबल? सेपरेबल है। तो ये 7,800 टोटल अदर फैसिलिटीज का रेंट है, जो कि 60,000 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो कहने का मतलब हाउस प्रॉपर्टी का रेंट कितना है? देखिए क्या हुआ इस केस में, इस केस में हुआ क्या है, ये कंपोजिट रेंट है, ये कंपोजिट रेंट है 60,000। इसमें से हाउस प्रॉपर्टी का कितना है और अदर फैसिलिटीज का कितना है? ठीक है, अदर फैसिलिटीज का कितना है? अदर फैसिलिटीज का 7,800 है। तो हाउस प्रॉपर्टी का बैलेंसिंग फिगर, हाउस प्रॉपर्टी का बैलेंसिंग फिगर हो गया कितना? 52,200। ये हाउस प्रॉपर्टी का। तो हाउस प्रॉपर्टी से जो रिलेटेड रेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में टैक्सेबल होगा, और जो अदर फैसिलिटीज का रेंट है वो या तो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगा या अदर सोर्सेस हेड में। ठीक है, तो लेटिंग यहां पर सेपरेबल है, अलग अलग है। ठीक है, सेपरेबल। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में कितना टैक्सेबल बताना है? 52,200। ठीक है ना, तो देखिए आगे आपको और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। कलेक्शन चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस इंक्लूडिंग ₹300 ऑफ लिटिगेशन एक्सपेंसेस, इन एक्सपेंसेस का डिडक्शन भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं मिलता। ठीक है, फिर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2009-10, पुरानी बात बता रहे 9-10 की, ही हैड क्लेम्ड ए डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट 22,500। उसने अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन क्लेम कर लिया, बट इसमें से उसको अलाउ कितना हुआ? 16,500।
ठीक है, तो 22,500 उसने अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन क्लेम किया, बट उसको अलाउ कितना हुआ 16,500। इसका मतलब 6,000 का डिडक्शन शॉर्ट रह गया, ठीक है, तो डिफरेंस का 6,000 का डिडक्शन शॉर्ट डिडक्शन है जो उसको अलाउ नहीं हुआ। कब? 2019 में उसको 6,000 का डिडक्शन अनरियलाइज्ड रेंट का शॉर्ट रह गया। अब इस साल क्या हो रहा है? ऑन 10th अगस्त 2019, हाउएवर ही रिकवर्ड 10,500 फ्रॉम द डिफॉल्टिंग टेनेंट, उसको रिकवरी रिसीव हुई। अनरियलाइज्ड रेंट उसका 22,500 था, उसमें से 10,500 की रिकवरी हो गई। ये रिकवरी सेक्शन 25A में टैक्सेबल होती है, ठीक है ना, बट पास्ट में शॉर्ट डिडक्शन कितना रहा हुआ है 6,000, वो इस 10,500 में से लेस हो जाएगा अभी, ठीक है, तो बैलेंस रिकवरी ही टैक्सेबल होगी और उसमें से भी 30% डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होगा, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, और आगे क्या दे रखा है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी वाज कंप्लीटेड ऑन 31st अगस्त 2001, पुराना कंस्ट्रक्शन PCPI एक्सपायर हो गया होगा। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, ₹60,000 इज कंपोजिट रेंट, इन्होंने खुद ने ही बोल दिया कि ये 60,000 कंपोजिट रेंट है ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज एमिनिटीज, मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द टेनेंट, ठीक है, तो प्रॉपर्टी का और अदर फैसिलिटीज का दोनों का मिलाकर कंपोजिट रेंट 60,000 है, इन्होंने क्वेश्चन में खुद भी बोल दिया, नहीं भी बोलते तो वो हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया था। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करनी है असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए, ठीक है, तो देखिए हमने बात की अदर फैसिलिटीज का किराया, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में कितना डालना है सिर्फ, और आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड का ही पूछा है, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने को ही बोला है ना क्वेश्चन में, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में आप कितना टैक्सेबल करेंगे, ये एक तरीके से एक्चुअल रेंट हुआ हाउस प्रॉपर्टी का, तो ये फेयर रेंट हो गया, रीजन 12 महीने का है, एक्चुअल रेंट मल्टीप्लाइड बाय 12 वो फेयर रेंट भी होता है, और प्रॉपर्टी की म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है क्या, प्रॉपर्टी की म्यूनिसिपल वैल्यू भी दे रखी है, कितनी 48,000, ठीक है, तो वो भी लिख देते हैं हम 48,000, तो जेड वैल्यू हायर कितना 52,200, ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तो ये जेड वैल्यू ही ये जेड वैल्यू ही बन गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 52,200, ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट और यही हमारा एक्चुअल रेंट, ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी क्या हो गया 52,200, और म्यूनिसिपल टैक्स अलाउ नहीं होंगे क्योंकि यहां दे रखा है पेड बाय टेनेंट, पेड बाय टेनेंट, इसलिए डिडक्शन नहीं मिलेगा, चलिए तो म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो नेट एनुअल वैल्यू भी सेम हो गई 52,200, इसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगा, और इंटरेस्ट है क्या प्रॉपर्टी को लेकर, नहीं है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ठीक है। अब आ गया आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करंट ईयर की, कितनी 36,540, ठीक है, इसमें पास्ट ईयर में आपका अनरियलाइज्ड रेंट रहा था उसकी रिकवरी आपको मिली थी 10 अगस्त को, तो वो टैक्सेबल होगी अंडर सेक्शन 25A, बट उसका पास्ट ईयर में शॉर्ट डिडक्शन था 6,000 का, ठीक है, तो अभी रिकवरी जो 10,500
मिली है 10,500, उसमें से ये 6,000 लेस हो जाएगा और बैलेंस रिकवरी कितना 4,500, और उसमें से भी स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिवली ये रिकवरी टैक्सेबल हुई। कितनी टैक्सेबल हुई? इफेक्टिवली ये रिकवरी हमें टैक्सेबल हुई 3,150। तो ये अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी का ट्रीटमेंट बिल्कुल एंड में करना है। पहले तो हमें करंट ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी होती है और ये रिकवरी तो हमें लास्ट में ऐड करनी होती है। ठीक है, लास्ट में एक नोट लिख दीजिए कि रिपेयर एक्सपेंसेस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, कलेक्शन चार्जेस, लिटिगेशन एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, हाउस प्रॉपर्टी हेडमैन का डिडक्शन नहीं मिलता। ठीक है, अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस चैप्टर का हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36, जो कि आपके पेज नंबर 21 पर दे रखा है क्वेश्चन बैंक में। तो क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मिस्टर राज इज ओनर ऑफ ए रेजिडेंशियल हाउस जिसका कंस्ट्रक्शन 31st अगस्त 1998 को कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और वो लेट आउट कब से हो गई थी प्रॉपर्टी? फ्रॉम 1st दिसंबर 99 से, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। ठीक है, मतलब तब से ही लेट आउट है, अभी करंट प्रीवियस ईयर में तो लेट आउट है ही है। ठीक है, और आगे पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, अभी इस ईयर 2019-20 के म्यूनिसिपल वैल्यू 55,000 दे रखी है, एक्सपेक्टेड रेंट दे रखा है 60,000, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 6,000 पर मंथ और एक्चुअल रेंट दे रखा है 6,000 पर मंथ। ठीक है, ये फेयर रेंट है, फेयर रेंट, ठीक है, 60,000। तो इन दोनों का विच एवर इज हायर, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का विच एवर इज हायर, 60,000 हुआ, ये जेड वैल्यू हुई 60,000। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड रेंट है 6,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, तो 12 महीने का कितना हुआ? आ जाइए देखिए, 12 महीने का आपका स्टैंडर्ड रेंट हुआ 72,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा? विच एवर इज लेस, 60,000। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट आपका 60,000। अब एक्चुअल रेंट आपका कितना है? 6,000। तो 6,000 इंटू 12, तो एक्चुअल रेंट 72,000। एक्चुअल रेंट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो एक्चुअल रेंट 72,000 बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी? 72,000। फिर टीनेंट ने कितना आगे और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है, पढ़ते हैं आगे। देखिए, म्यूनिसिपल टैक्सेस 5,000 उसमें से टीनेंट ने पे किए हैं, टोटल पेड तो 15 है। ठीक है ना, तो 15,000 टोटल म्यूनिसिपल टैक्स पेड हुए, बट उसमें से 5,000 तो टीनेंट ने पे किए। तो लैंडलॉर्ड एसएससी ने कितना पे किया? 10,000। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस 10,000 लेस होंगे। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद म्यूनिसिपल टैक्सेस 10,000 लेस करिए, टोटल 15 है, टोटल कितना है 15, उसमें से 5,000 तो टीनेंट ने पे कर दिए इसलिए अलाउ नहीं होंगे, इसलिए अलाउ कितने होंगे? 10,000। ठीक है, चलिए, फिर नेट एनुअल वैल्यू आ गई आपकी, नेट एनुअल वैल्यू आ गई, कितनी आई? नेट एनुअल वैल्यू आई आपकी 62,000, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दीजिए एनएवी का 30%। अच्छा, और क्वेश्चंस की और इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए, वाटर एंड सीवरेज बेनिफिट टैक्स लेवीड बाय स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, अगर
अगर ऐसे दे रखा होता कि ये जो है सीवरेज टैक्स वगैरह अगर दे रखा होता, अभी तो दे रखा है क्या, लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, अगर दे रखा होता लेविड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी, तो हम ये 15,000 को तो म्यूनिसिपल टैक्स मानते ही, इस 6,000 को भी हम म्यूनिसिपल टैक्स मानते, अगर दे रखा होता लेविड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी। लेकिन अभी दे रखा लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये म्यूनिसिपल टैक्स नहीं है, तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, इसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ठीक है, लोन लिया लेकिन आगे दे रखा है द इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट हैज बीन पेड आउटसाइड इंडिया टू ए नॉन रेजिडेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, उस फॉरेन पार्टी को इंटरेस्ट का पेमेंट करते वक्त टीडीएस डिडक्ट नहीं किया आपने, तो एज द नॉन रेजिडेंट ने क्या बोला, एग्री टू पे इनकम टैक्स ऑन सच इंटरेस्ट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। नॉन रेजिडेंट मनी लेंडर ने बोल दिया मैं अपना टैक्स खुद पे कर दूंगा, मेरा टीडीएस मत काटो, इसलिए मिस्टर राज जो एसएससी हैं यहां पर उन्होंने उनका टीडीएस नहीं काटा। बट यहां सेक्शन 25 बना हुआ है कि अगर मनी लेंडर फॉरेन पार्टी है, नॉन रेजिडेंट है, और अगर एसएससी उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करते वक्त टीडीएस का डिफॉल्ट कर दे, या तो टीडीएस डिडक्ट ही ना करे, या डिडक्ट करे बट गवर्नमेंट को पे ना करे, तो ये टीडीएस डिफॉल्ट हुआ, और उस नॉन रेजिडेंट का फॉरेन पार्टी का इंडिया में कोई एजेंट भी नहीं है, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा, अलाउ नहीं होगा, ठीक है, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। कौन सा सेक्शन लग रहा है यहां पर, सेक्शन 25, सेक्शन 25 लग रहा है। और लीगल चार्जेस, आगे कह रहे लीगल चार्जेस फॉर रिकवरी ऑफ रेंट, इसका भी डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं मिलता। फिर आगे स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज एग्रीमेंट, मतलब रेंट एग्रीमेंट की भी रजिस्ट्री कराई, उसके एक्सपेंसेस हुए, ये भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में अलाउ नहीं होते हैं। फिर लास्ट पॉइंट दे रखा है अनरियलाइज्ड रेंट, टोटल 10,000 है, टोटल 10,000 है, पर डिडक्शन 7,000 का ही मिला पास्ट में, कितना शॉर्ट रह गया 3,000, और अभी इस साल रिकवरी हो रही है 8,000 की उस डिफॉल्टिंग टीनेंट से, तो 8,000 में से वो शॉर्ट डिडक्शन 3,000 लेस हो जाएगा, और बैलेंस रिकवरी ही 5,000 ही टैक्सेबल होगी, और उसमें से भी 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होगा, ठीक है। तो देखिए इंटरेस्ट का डिडक्शन मिला नहीं, तो ठीक है इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिला डेल, किस सेक्शन की वजह से, एज पर सेक्शन 25। तो करंट ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई 43,400, ठीक है। अब बिल्कुल लास्ट में करंट ईयर की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने के बाद बिल्कुल लास्ट में ये रिकवरी ऐड करनी है, ठीक है, तो ये रिकवरी ऐड कर दीजिए बिल्कुल लास्ट में, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट जो कि टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 25A। आपका पहले 3,000 का शॉर्ट डिडक्शन रहा हुआ है, तो वो लेस करने के बाद 5,000, और 5,000 में से भी स्टैंडर्ड डिडक्शन तो लेस होगा ही, तो ये रिकवरी इफेक्टिवली कितनी टैक्सेबल होगी, 3,500 ये ऐड हो गई, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टोटल कितना हो गया 46,900, और नीचे
कमेंट लिख दीजिए कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करते वक्त वाटर और सीवरेज बेनिफिट टैक्स जो कि लेवीड बाय स्टेट गवर्नमेंट था इसलिए अलाउ नहीं हुआ। अगर लेवीड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी होता तो ये म्यूनिसिपल टैक्स कहलाता तो अलाउ हो जाता। अभी लेवीड बाय स्टेट गवर्नमेंट है इसलिए नॉट अलाउड। ठीक है। और फायर और इंश्योरेंस चार्जेस, फायर इंश्योरेंस चार्जेस, लीगल चार्जेस, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस ये भी नॉट अलाउड क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड में इसका डिडक्शन नहीं मिलता। ठीक है। तो ये हमने किया क्वेश्चन अपना कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 36 और ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है। सैलरी हेड शुरू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।